हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू होलिस्टिक आयुषवेद। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ड्रग्स, ऐसे हर्ब्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रोल प्ले करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये इतने बेनिफिशियल है, आपके लिए इतने यूजफुल है कि आप इसे यूज़ करने के बाद खुद फर्क जान। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन की बटन है उसे हिट करना मत भूलना। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम कुछ ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि वो ड्रग्स कौन से हैं। आज हम जिन ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है सरपुंखा, कासनी और अश्वगंधा। ये तीनों ड्रग्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये हमारी बॉडी पे किस तरीके से एक्ट करते हैं ये भी मैं आपको सामने बताऊंगी, और साथ ही साथ इनके क्या गुण हैं, ये कितने गुणकारी है और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सरपुंखा, इसे टेफ्रोसिया परपुरा कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम। साथ ही साथ इसे मराठी में उन्हाली भी कहते हैं और हिंदी में इसे सरपुंखा ही कहते हैं। इसे इंग्लिश में वाइल्ड इंडिगो कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए इतनी यूजफुल है। ये ड्रग वातहर है। आप सब जानते हैं वातहर मतलब क्या होता है, जो वात का नाश करे उसे वातहर ड्रग्स कहते हैं। साथ ही साथ ये कफनाशक है, और ये अपनी प्लीहा रोगों पर मतलब आपके स्प्लिन डिसऑर्डर्स पर बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप जानते हैं कि जब स्प्लिन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो स्प्लिन का एनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब स्प्लिन आपकी प्लीहा, कोई कोई इसे तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली भी करके पहचाना जाता है। तो आपकी स्प्लिन, आपकी प्लीहा पर सूजन आ जाती है। ये ड्रग ऐसा है जिसके यूज़ करने से ना कि सिर्फ आपके स्प्लिन हेल्दी होंगी, साथ ही साथ उसका जो एनलार्जमेंट हुआ है वो भी कम होगा। किसी भी डिसऑर्डर्स की वजह से हो, अगर आपके बॉडी में प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, तो ये ड्रग वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, और ये आपके लीवर को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये ड्रग जनरली, ये हर्ब जनरली इधर नहीं पाया जाता, ये हिमालय साइड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में। साथ ही साथ अगर आप कब्ज जैसी या आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं पेट की किसी भी प्रॉब्लम से, तो ये ड्रग उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। साथ ही साथ ये गुल्म रोगों में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके स्प्लिन पर, प्लीहा पर, तिल्ली पर बहुत अच्छा काम करता है, और आपको इसे लेना कैसे है ये मैं आपको बताऊँगी। काम करता है उन चीज़ों पर जैसे कि गुल्म रोग, कब्ज, पेट फूले जैसा लगना, पेट की कोई भी शिकायत हो इस ड्रग से तुरंत गायब हो जाएगी। साथ ही साथ ये आपके स्प्लिन पर बहुत अच्छा एक्ट करता है, आपके स्प्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बहुत सारे लोगों में, आप लोग जानते हैं जैसे हेपेटाइटिस क्या होता है, इसमें लीवर एनलार्ज हो जाता है, साथ ही साथ बाकी भी बॉडी फंक्शंस वीक हो जाते हैं, तो ये उस चीज़ पर भी बहुत अच्छा काम करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ड्रग के बारे में, वो है कासनी। आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में शायद कम ही सुना हो, कुछ लोगों ने ना भी सुना हो इसका नाम, लेकिन अब हम इसके बारे में बात करेंगे, और कासनी को अलग अलग नाम क्या दिए गए हैं हम वो भी देखेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट ड्रग है कासनी। कासनी को हम कासनी का बॉटनिकल नेम है चिकोरिटम एटाइबस, और इसे मराठी में काचनी कहते हैं। होते हैं वो नीले कलर के होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होता है जो कि आप सब्स्टिट्यूट करके कॉफ़ी की जगह यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे कॉफ़ी के जगह स्क्रब में वगैरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में कैफीन होता है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपकी डेड सेल्स को निकालता है अगर आप स्किन के लिए यूज़ करते हैं तो। और जहाँ की हम बात करते हैं कासनी की, ये ड्रग हमारे उन चीज़ों पर काम करता है जिससे आजकल के सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, वो है दर्द, घुटनों का दर्द, आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ को लेके दर्द हो, कैल्शियम की कमी हो, साथ ही साथ अगर आपको पाचन शक्ति से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सब चीज़ों पे ये ड्रग बहुत अच्छा काम करता है। आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, आपके मुख रोग को भी दूर करता है, और ये कब्ज की प्रॉब्लम हो,
आपको बुखार हो, जो बुखार बहुत टाइम तक रहता है वो चीज़ हो, ये उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। आपने इस ड्रग के बारे में हो सकता है ना सुना हो, लेकिन पतंजलि की जो आयुर्वेद वाली बुक है उसमें ये चीज़ का, ये ड्रग के बारे में बताया गया है बहुत अच्छे से, ये कहाँ मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वो भी चीज़ बताई गई है। इस ड्रग के सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदे ये है कि ये आपकी सूजन को कम करता है, आप आमवाद की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें घुटनों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो या फिर घुटने दर्द कर रहे हो, पाचन शक्ति कमज़ोर हो, उस चीज़ पे बहुत अच्छा काम करता है, आपकी शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी भूख को भी बढ़ाता है। तो जब इन दोनों ड्रग्स के इतने सारे फ़ायदे हैं और हम इस ड्रग्स के बारे में नहीं जानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका भी मैं सॉल्यूशन आपके लिए लाई हूँ, लेकिन उससे पहले और एक ड्रग के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आखिरी तक देखिए क्योंकि आपको ये ड्रग उस जगह पर जाके लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जहाँ ये पाया जाता है, उसके लिए मैं आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन लाई हूँ और इस चीज़ को मैंने को ट्राई किया इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट ड्रग हम देखेंगे वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम है वथानिया सोमनिफेरा। आपने बहुत बार इस ड्रग के बारे में, इस हर्ब के बारे में सुना होगा, टीवी पे सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा कि इस प्रोडक्ट में अश्वगंधा है। तो अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा फेमस हर्ब है, हम सब इस चीज़ के बारे में जानते हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं कुछ ऐसे फ़ायदे आपको इसके बताऊँगी कि जो शायद आपको पता हो ना पता। अश्वगंधा इस पौधे के सबसे ज़्यादा उपयोगी पार्ट्स कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी बीज, जड़, फूल, पत्ते, ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी ड्रग्स बताए हैं, आसनी और सरपुंखा, उनके भी पत्ते, फल, फूल सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, लेकिन कौन सी चीज़ किस मात्रा में लेना ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की तो ये खांसी में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके पत्तों का अगर आप यूज़ देखें तो वो आपके चेहरे के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपके शरीर की त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी भी तरह के दाग धब्बे उससे निकल जाते हैं, वक्त के पहले जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अश्वगंधा का पाउडर आपको इस चीज़ में यूज़ करना है और ये आपको कमज़ोरी में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, एंथुजियास्टिक फील नहीं करते, आपको किसी चीज़ में एनर्जी नहीं लगती है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। मैं एक और चीज़ आपको फिर से बोलना चाहूँगी, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको इनमें से कोई भी हर्ब बाहर जाकर लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई रक्त विकार से संबंधित किसी भी डिसऑर्डर्स या किसी भी बीमारी से जूझ रहा है या उससे सफ़र कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हो सके तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और साथ ही साथ मैंने ऐसे हर्ब्स के बारे में, ऐसे नेचुरल हर्ब्स के बारे में इसमें बताया है जो आपकी बॉडी पे ऑल ओवर काम करता है। हमारे लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम ये ड्रग्स या ये हर्ब्स, इसके प्लांट्स बाहर ढूंढने जाए, उन्हें लाए, फिर उनका चूर्ण बनाए और उन्हें ले, ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, फिर इससे अच्छा हम लेना ना लेना प्रेफर करते हैं। तो इस सब का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लाई हूँ इस वीडियो में, ये है कि ये एलिमेंट्स करके ब्रांड है, मैं साइड में आपको इसका वीडियो भी दे दूँगी, इसकी फ़ोटोज़ भी दे दूँगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आप इस चीज़ के बारे में बस जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। ये एलिमेंट्स वेलनेस करके जो ब्रांड है ये एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, इसका ये प्रोडक्ट है लिव अगेन। तो इसमें जो भी मैंने ड्रग्स अभी आपको बताए हैं वो सारे ड्रग्स की लिस्ट इसमें दी हुई है। इसमें सरपुंखा, कासनी और साथ ही साथ 10 ऐसे हर्ब्स दिए हुए हैं जो आपके बॉडी पर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, चाहे आपकी वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी वो स्प्लीन, लीवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ये ड्रग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें ड्रग्स कौन से हैं या हर्ब्स कौन से प्रेजेंट हैं। सरपुंखा, कासनी, भृंगराज, कटुकी, हरित की, पुनर्नवा, कारमेघ, आम्लतस इसमें प्रेजेंट है।
वो डाइजेशन के साथ साथ हमारे बॉडी में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारे ऑर्गन्स को और ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी डिसीज़ के वजह से हो, इन्फेक्शन के वजह से हो, सूजन आपके बॉडी की कम हो जाएगी, आपके घुटनों में जो सूजन आती है वो कम हो जाएगी। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और इसमें वो सारे ड्रग्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, जो आप बाहर जाके एक सेपरेटली नहीं ला के यूज़ कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हेक्टिक हो जाती है। जब हमें ये फॉर्मूलेशन मिल रहा है रेडीमेड, तो हमें ये यूज़ करना चाहिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये फॉर्मूलेशन मैंने बहुत लोगों को बताया है यूज़ करने के लिए, और उन्होंने यूज़ भी किया, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे लेना कैसे है। आपको इसे 2 चम्मच खाना खाने के बाद लेना है, और इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। पहले ही पानी पी लीजिए आपको जितना पीना है, उसके बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आप एटलीस्ट 15 डेज ये ट्राई करें, उसके बाद आप देखना क्या फ़र्क नज़र आता है। और स्पेशली जिनको प्लीहा रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, उन लोग ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और एक चीज़ मैं बात कर रही थी अश्वगंधा की, तो अब आप पूछेंगे कि अश्वगंधा तो हमें बाहर से लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो अश्वगंधा है नहीं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, ये है स्ट्रेस, ये भी एलिमेंट वेलनेस ब्रांड से है, स्ट्रेस फिट स्ट्रेस। इसमें सिर्फ 2 कंटेंट है, वो है अश्वगंधा और गुड़ूची। गुड़ूची के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, जिसे गुड़वेल भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आजकल, जो इतना चर्चे में है इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। गुड़ूची इम्यूनिटी पर बहुत अच्छे से काम करता है। शायद मुझे इस चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत लोग ट्राई भी कर चुके होंगे। बहुत लोग गुड़ूची का काढ़ा लेते हैं, गुड़ूची का चूर्ण भी बहुत लोग लेना प्रिफर करते हैं, मैंने भी सुना है। तो ये अश्वगंधा और गुड़ूची है इस चीज़ में। ये कैप्सूल्स है, 60 कैप्सूल्स का पैक है ये। इसकी इन दोनों की प्राइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और साथ ही साथ इनके लिंक भी दे दूँगी। और एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कि ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। ये ऑनलाइन बिकता नहीं है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या किसी भी ऐसे लिंक पर जो वैलिड ना हो। अगर वहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो फेक है। आपको सीधे मैं डीलर का नंबर दे दूंगी, आप उससे कांटेक्ट कर लेना, वो आपको आपके घर तक ये प्रोडक्ट पहुंचा देगा। लेकिन ध्यान रखें, ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं होते हैं। जो भी अगर सेम आपको पैकिंग दिख रही है, सेम सब कुछ दिख रहा है, तो हो सकता है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट हो, लेकिन ये कंपनी, ये जो आयुर्वेदिक ब्रांड है, ये ऑनलाइन सेल नहीं होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कि आज इन सारी चीज़ों में, इन सारे सिचुएशंस में, कफ़ की प्रॉब्लम अगर किसी को है, नो एडेड शुगर वाला कफ सिरप है, मैं इसकी भी लिंक आपको नीचे दे दूंगी। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आजकल के घरों में हर चीज़ें होना, पुदीना, तुलसी तो सबके घर में होती है, बट हर टाइम अवेलेबल होना, जैसे कि अदरक, पुदीना, ये सारी चीज़ें आजकल नहीं होती। तो इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको कफ में यूज़फुल होते हैं, जैसे तुलसी, वसक, कलंजन, यष्टि मधु, पिप्पली, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है हमारे घर में। लेकिन ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ये आयुर्वेदा के नेचुरल हर्ब से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। एक और बार मैं आपको नाम बता देती हूँ ब्रांड का, वो है एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड। और ट्रस्ट मी, मैंने खुद इसके प्रोडक्ट्स ट्राई किए हुए हैं। मैं आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊँगी जो मैंने यूज़ ना की हूँ, या जिस पर मुझे खुद भरोसा ना हो। साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगी, कि आने वाले कुछ दिनों में मैं इसके और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के वीडियोस बनाने वाली हूँ, जो पर्सनल केयर से रिलेटेड होंगे। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है इस ब्रांड को लेके, मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी पता चले ये नेचुरल हर्ब से बना हुआ है प्रोडक्ट। इसके हर प्रोडक्ट नेचुरल हर्ब से बने हुए हैं। और साथ ही साथ जहाँ की हम बात करते हैं इंडियन ब्रांड को प्रमोट करने की, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम वो चीज़ें यूज़ करें जो नेचुरली बनी हो, नेचुरली हर्ब से बनी हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको दे दूंगी, और साइड में मैं इमेज भी दे रही हूँ, साइड में मैं नंबर भी दे रही हूँ, कि आपको ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आपको इन्हें खरीदना है। अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए,
@holisticayushved वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए या आपको किसी आपकी किसी और प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये जो स्ट्रेस है, इसका नाम ही स्ट्रेस है, स्ट्रेस टैबलेट्स है, फिट स्ट्रेस, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे स्ट्रेस को कम करने में, हमारे बॉडी को एंथुजियास्टिक करने में, और साथ ही साथ हमें हमारे माइंड को हेल्दी रखती है। जहाँ हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, वहाँ अब हम बात करने लगे हैं मेंटल हेल्थ की। तो ये प्रोडक्ट्स वो चीज़ है जो आपके फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा फिट रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट मैं इसलिए रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि ये नेचुरल है, और साथ ही साथ जहाँ हम बात कर रहे हैं ना आजकल इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करने की, तो मैं चाहती हूँ ऐसे ब्रांड्स आप लोगों को पता हो जो सच में इतने ज़्यादा नेचुरल है और हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही लेकिन अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प लगती है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए होंगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे इन अ सेफ एनवायरमेंट, बी हेल्दी, कीप योर माइंड हेल्दी, टेक केयर।